वेलकम टू गेटवे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आपको पता ही है, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। जस्ट वन सेकेंड, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी यहाँ पर, और यूनिट फर्स्ट का जो इस टाइम लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट है आज। इससे पहले दो वीडियोज़ हमारे हो चुके हैं, और अगर जिस स्टूडेंट्स ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देख ले पहले, तभी ये वाला समझ में आएगा, अदरवाइज ये वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है आज हमारी यूनिट, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सिलेबस में जैसे मैंने दिखाई दिया था आपको स्टार्टिंग में भी, हमारा सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारा डायोड एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है ये चल रहा है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्लीपर पढ़ने वाले हैं। हमने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है, जिसने नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर देख लें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लिपर सर्किट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले रेक्टिफायर पढ़ा है, ठीक है। रेक्टिफायर में जिस तरह से हमने वर्किंग पढ़ी है, उसी तरह से हम क्लिपर में भी और उसी तरह से क्लैंपर में भी, आगे की इसके बाद क्लैंपर सर्किट्स आएंगे उसमें भी उसी तरह से वर्किंग हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं देखा है तो मैं एक बार से और यहाँ पर बता रहा हूँ वो चीज़। यहाँ पर डायोड की जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी वर्किंग्स पढ़ने से पहले आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे सपोज करो हमारा ये डायोड है, ठीक है ना। डायोड में हमारा ये वाला पार्ट इधर एनोड होता है, और इधर वाला जो पार्ट होता है हमारा वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है आपको डायोड की वर्किंग में, कि डायोड जो हमारा दो तरह से वर्क करता है, यानी कि इसमें दो तरह की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो दोनों के केस में डायोड की जो प्रॉपर्टीज है ना चेंज होती है, तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर ये नहीं समझ में आएगी ना, तो ना तो तुम्हें रेक्टिफायर की वर्किंग समझ में आएगी, ना क्लीपर की वर्किंग समझ में आएगी, ना क्लैंपर की। और रेक्टिफायर से 100% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, क्लीपर से और क्लैंपर में से किसी एक पे न्यूमेरिकल बनेगा। मैं आज न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा क्लीपर पर किस तरह का न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी ये है कि ये डायोड हम सबसे पहली बात तो आइडियल के केस में यहाँ पर देखेंगे। आइडियल केस में हम अपने डायोड को यहाँ पर आइडियल डायोड कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमारे पास बैटरी जब हम बायसिंग करते हैं तो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जब हमारा ये वाला एनोड वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और कैथोड वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बाद में बताता हूँ, पहले ये समझो, जब ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो उस टाइम पर हमारा जो डायोड होगा वो कौन सी बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो हमारा जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये डायोड है यहां पर, तो इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट की तरह यहां पर, इस तरह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हमारा डायोड वाला पार्ट हो गया, ये वाला तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। जब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है तो उसमें करंट फ्लो हो जाती है, यानी कि करंट उसमें फ्लो होगी, ध्यान रखेंगे, और करंट हमारी पास हो जाएगी यहां से। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, आइडियल के केस में हम बात कर रहे हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप होगी यहां पर जब हमारा, कौन सी बात चली, फॉरवर्ड बायसिंग की बात चली है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। जब फॉरवर्ड होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, और जब शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो उसमें करंट फ्लो होगी, यानी कि करंट पास हो जाएगी, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी हमारी, जीरो। यानी कि एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसमें डायोड का रेसिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होती है, प्रैक्टिकली वोल्टेज ड्रॉप होती है। मैंने बताया भी था कल क्या वोल्टेज ड्रॉप होती है, सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट, और अगर हमने डायोड जर्मीनियम का यूज किया है तो 0.3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होती है। लेकिन हम आइडियल लेके चल रहे हैं, हम वर्किंग में जो लिखने वाले हैं आइडियल के बेसिस पर ही लिखने वाले हैं। तो आइडियल के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, यानी बहुत माइनर सी वोल्टेज होती है ये 0.7 0.3, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं और 0 वोल्ट मानते हैं। ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही है वो 0 हो रही है। ये तो हो गया इस वाले केस में जब फॉरवर्ड बायसिंग में है। अब अगर ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए और ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, तो यानी कि इस टाइम पर जो हमारा डायोड होगा वो कौन सी बायसिंग में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। क्लियर, ओपन सर्किट की तरह किस तरह से वर्क करता है, यानी कि यहां पर ही हमारा डायोड है तो ओपन सर्किट की तरह इस तरह से वर्क करता है, अगर इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। अब जब ये ओपन सर्किट होगा तो इसमें कोई करंट ट्रेवल नहीं करेगी, यानी कि कोई करंट यहां से पास नहीं होगी। क्लियर, अब जब करंट पास नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, यहां पर ये कंडक्ट नहीं होगा। और जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, अब जैसे हमने यहां पर इन दोनों टर्मिनल पे दे रखी है सप्लाई, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगी, अब जो डायोड की वजह से पहले 0 हो रही थी,
लेकिन अब क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी, और कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, जितनी हम इनपुट पे दे रहे हैं यानी कि वी इनपुट के इक्वल हमारी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना डायोड की, इनको अच्छे से ध्यान से सुन लो। अगर अभी समझ में नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करो पीछे और ध्यान से इनको समझ लो अच्छे से। अगर ये समझ में नहीं आएगी तो वर्किंग समझ में नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ बार बार। चलिए तो हम क्लिपर पे चलते हैं। क्लिपर क्या है हमारा, जैसे हमने रेक्टिफायर पढ़ा था, रेक्टिफायर क्या था, एक सर्किट था डायोड की हेल्प से हम डिजाइन कर रहे थे, ऐसी क्लिपर भी एक सर्किट है डायोड की हेल्प से डिजाइन करेंगे। लेकिन हमारा जो रेक्टिफायर था वो क्या कर रहा था, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन जो क्लिपर है वो क्या करता है, हमारी जो वेवफॉर्म होती है, जैसे हमारी इनपुट आउटपुट, ये इनपुट वेवफॉर्म होती है एसी सिग्नल की इस तरह से, तो हमें इस वेवफॉर्म को रीशेप करना है। रीशेप किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहला कि हमें जो वेवफॉर्म मिले वो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी रिमूव हो जाए और नेगेटिव हाफ साइकिल हमें केवल आउटपुट पे मिले। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो रिमूव हो जाए और पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट पे मिले, ठीक है ना, ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे हमारी नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसका हाफ पार्ट हमें मिल जाए, या हम जितना वोल्टेज चाहते हैं उतना वोल्टेज का हमें आउटपुट मिल जाए इस पर पॉजिटिव हाफ में, और नेगेटिव फुल मिल जाए। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि पॉजिटिव वेवफॉर्म हमें फुल मिले और नेगेटिव वेवफॉर्म हमें उतनी मिले जितनी वोल्ट की हम चाहते हैं, क्लियर। और नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है एक और, कि हमें पॉजिटिव भी उतनी मिले जितनी हम चाहते हैं और नेगेटिव भी उतनी मिले जितनी हम चाहते हैं। तो यानी कि हम वेवफॉर्म को रीशेप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिपर सर्किट। तो क्लिपर सर्किट या क्लिपर हमारा है क्या, क्लिपर इज ए सर्किट, क्लिपर एक सर्किट है विच इज यूज टू क्लिप ऑफ और रिमूव, यानी कि क्लिप ऑफ करने के लिए, यानी कि रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए सम पोर्शन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, यानी कि इनपुट वेवफॉर्म, जैसे इनपुट वेवफॉर्म थी इसका सम पोर्शन हम रिमूव कर सकते हैं या कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितनी कंडीशन बन सकती है वो मैंने सारी यहाँ पर आपको बता दी। अब इन सारी कंडीशन के लिए हम अलग अलग सर्किट यूज करते हैं। अलग अलग सर्किट कैसे यूज करेंगे, बस हमें डायोड की जो है ना वो पोजिशन बदलनी है, डायोड की पोजिशन बदलनी है और डायरेक्शन बदलनी है, ये दो चीज़ें करनी है हमें। पोजिशन बदलेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे और हमारी इस तरह की वेवफॉर्म आती चली जाएंगी। तो मैं अब आपको एक एक करके सर्किट दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा जो क्लिपर है, मतलब जैसे हम वेवफॉर्म को रीशेप करें उनके बेसिस पे, हमारा जो मेनली फोर टाइप के क्लिपर सर्किट्स होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर होता है, नेगेटिव क्लिपर होता है, बायस्ड क्लिपर होता है और एक कॉम्बिनेशन क्लिपर होता है। मेनली तो तुम्हें ये दोनों तो जरूर समझ लेने चाहिए अच्छे से ध्यान से। लेकिन जो ज़्यादातर मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनता है, मैक्सिमम टाइम, वो किस पर बनता है, इस वाले हमारे बायस्ड क्लिपर पर न्यूमेरिकल बनता है, जो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, और ये कॉम्बिनेशन क्लिपर जो होता है बायस क्लिपर का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक करके और फिर समझते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं उस टॉपिक, उस जो भी तुम्हारा कमेंट होगा, जो भी तुम्हारा डाउट होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको लेके आऊंगा, उसका सॉल्यूशन और आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखो अब मैं आपको एक एक करके क्लिपर सर्किट्स बताता हूँ। देखो सबसे पहला जो है हमारा पॉजिटिव क्लिपर, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है, जैसे हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, ये इस तरह से इनपुट वेवफॉर्म है ये, क्लियर। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, एसी सिग्नल है हमारा ये। तो ये पॉजिटिव क्लिपर क्या करता है, जो नेम है वही वाली साइकिल रिमूव कर देता है, यानी कि पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव साइकिल जो है ये वाली हमारी रिमूव हो जाएगी, हमें जो आउटपुट पे मिलेगी बस ये मिलेगी। समझ में आ गई बात, पॉजिटिव क्लिपर क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल रिमूव कर देता है और नेगेटिव हमें आउटपुट पे मिलती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ए पॉजिटिव क्लिपर रिमूव्स द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। और अब हमारे जितने भी ये क्लिपर्स हैं, पॉजिटिव क्लिपर हो गया, नेगेटिव क्लिपर्स हो गया, इन सारे क्लिपर्स को सर्किट के अकॉर्डिंग हम दो दो पार्ट में और क्लासिफाई करते हैं। कैसे, कि एक तो हमारा सीरीज में हो जाता है और एक शंट में हो जाता है। ये किस पर डिपेंड है, ये हमारे डायोड की पोजिशन पर डिपेंड करता है। डायोड को अगर हमने आउटपुट के सीरीज में कनेक्ट किया है तो वो हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, या हमने उसको अगर उसके पैरेलल, आउटपुट के पैरेलल, यानी कि अगर हम आउटपुट डायोड के पैरेलल ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, शंट। शंट का मीनिंग एक्चुअली में पैरेलल ही होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्लिपर सर्किट। क्लिपर में हमें पता है कि क्लिप ऑफ करते हैं, रिमूव करते हैं वेवफॉर्म का कुछ भी पोर्शन। दूसरा हमने क्या देखा कि ये फोर टाइप्स के हमने देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, बायस और कॉम्बिनेशन। अब ये जो पॉजिटिव है ये भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, सीरीज और शंट। अब एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये तो यहाँ पर है, फिलहाल मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो हमारा सबसे पहले जो है पॉजिटिव क्लिपर है,
पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सीरीज और एक होता है हमारा शंट, शंट कह लो या पैरेलल कह लो, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा सर्किट होता है, बस जब आप इसका सर्किट डिजाइन करो ना, ये सर्किट रटने की जरूरत नहीं है इसकी, जैसे मैंने रेक्टिफायर में बताया सर्किट डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है ना। देखो सर्किट इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, अगर रटोगे तो कंफ्यूज होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे सारे, पता चला पूछा कोई और सा था सर्किट उसमें बनाया है कोई और सा। ध्यान से समझो क्या है इसके पीछे लॉजिक। हमारा पॉजिटिव क्लिपर है, हमें इसका आउटपुट पता है, आउटपुट वेवफॉर्म पहले से डिजाइन कर लो, आउटपुट वेवफॉर्म पहले से ही बना लो, तो उससे तुम्हारा जो, अगर तुम्हें आउटपुट वेवफॉर्म तुमने पहले से बना ली, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, और साथ में तुम्हें वो प्रॉपर्टीज पता है डायोड की जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई लेक्चर के, तो तुम बहुत आसानी से इनके कोई सा भी क्लिपर आ जाए किसी का भी सर्किट बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव क्लिपर है, तो हमें पता है पॉजिटिव क्लिपर क्या करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर देता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हमारी रिमूव हो जाएगी, रिमूव हो गई यानी कि जीरो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिल गई, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें रिमूव हो गई, रिमूव हो जाएगी जीरो, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल मिल गई, तो ये जो हमारा आउटपुट आने वाला है ये आउटपुट आने वाला है ये, यहाँ पर इस तरह से भी लिख देना पूरा वेवफॉर्म प्रॉपर बनाना, वी इनपुट हो गया यहाँ पर जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई और यहाँ पर टी लिख देंगे ऐसी, ये हमारी क्या है वी नॉट यानी कि आउटपुट वोल्टेज है, ये टी हो गया, ये यहाँ पर भी फिर से वही जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, इस तरह से पूरी प्रॉपर वेवफॉर्म बनाना एग्जाम में, ठीक है ना। मैंने एक बार बना के दिखा दिया आपको, मैं बार बार पूरी प्रॉपर नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये सीरीज है, पहली चीज ध्यान रखनी है कि सीरीज में डायोड जो है वो आउटपुट के सीरीज में कनेक्ट होगा। अब देखो बनाना किस तरह से है सर्किट, ये हमारा एसी सिग्नल हो गया जो हम इनपुट पर दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमें डायोड कनेक्ट करना है सीरीज में, और यहां पर हम डायोड कनेक्ट कर लेंगे, और इन दोनों यहां पर एक रेसिस्टेंस लगाकर इस तरह से जिसको हम बोल देते हैं आरएल यानी कि लोड रेसिस्टेंस, और यहां पर आउटपुट वोल्टेज मेजर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो ये इतना सर्किट तो बन गया, इतना तो जितने भी सीरीज वाले हैं सभी में ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब डायोड पे कंफ्यूजन होता है कि डायोड की डायरेक्शन इधर होगी या डायोड की डायरेक्शन इधर होगी, या कौन से में इधर होगी या कौन से में इधर होगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव क्लिपर पढ़ रहे हैं, हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल रिमूव करनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल रिमूव करनी है, तो पॉजिटिव जब सीरीज में होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कब रिमूव होगी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में हो, क्यों, क्योंकि देखो मैंने पीछे बताया अभी, हाँ देखो ये मैंने बताया जब रिवर्स बायसिंग में होता है तो ओपन सर्किट होता है और कोई करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है ना। जब रिवर्स बायसिंग में होगा डायोड तो ओपन सर्किट होगा और कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब ये रिवर्स बायसिंग में हमें करना है ताकि इसमें कोई करंट ना फ्लो, रेसिस्टेंस में कोई करंट ना पहुंचे और हमें आउटपुट ना मिले, तो रिवर्स बायसिंग में अब हमारा क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यहां पर तो पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी इनपुट हमारा ये वी इनपुट है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर नेगेटिव पोटेंशियल, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो हमें डायोड के किस टर्मिनल पे पॉजिटिव पहुंचाना है ताकि रिवर्स हो, तो हमें डायोड के कैथोड पे पहुंचाना है ना, तो हम डायोड की डायरेक्शन इस तरह से बना देंगे, बस ये डायोड हमारा बन गया, समझ में आ गया ना। अगर आ गया तो जल्दी से कमेंट में थम्सअप करो, और अब ये डायोड की डायरेक्शन हमने बना दी, अब हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं, बस सर्किट बन चुका है हमारा। आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा, जब रिवर्स बायसिंग में होगा तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो रेसिस्टेंस में करंट नहीं पहुंचेगी, और रेसिस्टेंस में करंट नहीं पहुंचेगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा जीरो, क्लियर, आउटपुट क्या मिलने वाला है हमें जीरो, ठीक है ना। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज चेंज हो जाती हैं एसी सिग्नल में, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, जब ऊपर नेगेटिव होगा तो डायोड हमारा अब क्या हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, क्योंकि इस टर्मिनल पे कैथोड पे नेगेटिव आने पर ये फॉरवर्ड हो जाता है, जब फॉरवर्ड होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा इस तरह से, और जब शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो इसमें हमारी करंट फ्लो हो जाएगी इजिली, और जब करंट फ्लो हो जाएगी तो रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा जितना हमने इनपुट पे अप्लाई किया उतना ही हमें आउटपुट पे आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात यहां तक।
और हमने आइडियल माना था उसकी वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगी, तो जितना हमने इनपुट पर अप्लाई किया उतना ही हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। तो जितना हमने इनपुट पर अप्लाई किया था ये उतना ही हमें आउटपुट पर यहाँ पर मिल गया। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से ये वाली पोलरिटीज हो जाएंगी, फिर से डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा, ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा, करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये सीरीज का सर्किट था और ये इसकी वेवफॉर्म होगी। अगर समझ में आ गई हो वर्किंग तो जल्दी से कमेंट में थम्सअप कर दो। और फिर हम मैं अब आपको इसका शंट बता देता हूँ, शंट में कैसे डायग्राम बनाना है। देखो पॉजिटिव क्लिपर को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लो। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाके फिर से सुन लो, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो जैसी शंट की बात कर रहे हैं तो हमें जो डायोड है ना ये यहाँ से उठा के यहाँ पर लगाना है ताकि उसके पैरेलल हम आउटपुट मेजर कर सकें। जब इसके पैरेलल आउटपुट मेजर करेंगे तो वो शंट कंडीशन हो जाएगी, शंट मतलब पैरेलल। तो देखो इनपुट तो हमें इसी तरह से यहाँ पर ये बाकी तो हमें ऐसी बनाना है, बस रिप्लेस करना है रेसिस्टेंस को डायोड से और डायोड को रेसिस्टेंस से। ये देखो दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर हमें आउटपुट मेजर करना है, ठीक है ना। अब हमें डायोड जो लगाना है ना वो यहाँ पर लगाना है, क्लियर। डायोड जो लगाना है हमें वो वहां पर लगाना है। तो अब डायोड की जो डायरेक्शन रखें क्या क्या रखें, ये तो हमारा रेसिस्टेंस हो गया और ये हमारा वी इनपुट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि इस साइकिल के लिए हमें क्या चाहिए, आउटपुट हमें जीरो चाहिए। इस साइकिल के लिए हमें आउटपुट जीरो चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जीरो करने के लिए हमें क्या करना है, अब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कब जीरो होती है मैंने बताया था तुम्हें, उस स्लाइड को मैं फिर दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कब जीरो मिलता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो डायोड को हमें फॉरवर्ड बायसिंग में करना है, तो डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में करने के लिए हमें क्या करना है, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कब होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पर पॉजिटिव होगा यहाँ पर नेगेटिव, तो इस बायसिंग में हमें फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड करने के लिए हम इस तरह से इसकी डायरेक्शन बना देंगे। अब यानी कि ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। अब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ वर्क करेगा, करंट फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में है और आइडियल डायोड में वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो हो गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव। अब जब यहाँ पर नेगेटिव होगा तो डायोड क्या होगा हमारा, एनोड पर नेगेटिव है, तो डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, तो ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा। तो जो हमारी करंट फ्लो हो रही थी यहाँ पर इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो वो यहाँ तो इस सर्किट में तो फ्लो नहीं होगी, वही हमें डायरेक्ट आउटपुट पर मिल जाएगी। तो जो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था, इनपुट अप्लाई किया था, वही हमें डायरेक्ट आउटपुट पर एज इट इज मिल गया उधर। तो जो हमने इनपुट पर अप्लाई किया, जस्ट वन सेकेंड, शायद आपको कोई साउंड आ रही होगी बीच में, तो मैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब रिवर्स बायसिंग में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो हमारा यहाँ पर ओपन सर्किट होगा, तो जो इनपुट पे अप्लाई किया वही हमें एज इट इज आउटपुट पे मिल जाएगा। तो ये एज इट इज हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज का हो गया, शंट का हो गया, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं सीरीज और शंट दोनों बता दिए, एक बार इसमें डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं। हाँ देखो ये हमारा सीरीज, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर है, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में हमने डायोड यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर लिया और ये रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस हमने आउटपुट मेजर कर लिया। तो जो इनपुट पे है वही हमें आउटपुट पे मिलेगा। ये इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हो गई और ये इनपुट वेवफॉर्म है, आउटपुट वेवफॉर्म कौन सी है, नीचे वाली, और ये इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है ना। तो इसको एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ो, वैसे जो मैंने बताया वही है सारी चीज़ें इसमें, और डायग्राम यहाँ पर भी प्रॉपर बना हुआ है, यहाँ से भी देख कर बना सकते हो, वरना वहाँ से बनाओगे बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारा शंट पॉजिटिव क्लिपर है, शंट पॉजिटिव, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है ना, संट पॉजिटिव, सॉरी ये संट, हाँ संट पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, शंट पॉजिटिव हो गया, वो सीरीज पॉजिटिव था, ये शंट पॉजिटिव हो गया। तो शंट पॉजिटिव में भी हमारा क्या, आपकी बार हमने डायोड और ये रेसिस्टेंस जो रिप्लेस कर दिया आपस में, बस डायरेक्शन ध्यान रखनी है, डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया बस उसी तरह से ध्यान रखनी है। पहले इनपुट आउटपुट वेफॉर्म बना लो और वो जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी डायोड की वो ध्यान रखो बस, ठीक है ना। अब आता है हमारा नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर में क्या जस्ट अपोजिट है, जैसे हमने पॉजिटिव क्लिपर पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव क्लिपर है, डायग्राम बस अपोजिट बनना है, आउटपुट वेवफॉर्म अपोजिट बननी है। जैसे जैसे हम देख लेते हैं अभी नेगेटिव क्लिपर की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव क्लिपर में क्या है हमारा, यहां पर सीरीज और यहां पर शंट, ठीक है ना। तो डायग्राम उसी तरह से बनाना है,
इनपुट सिग्नल, वी इनपुट, यहाँ पर डायोड लगाना है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाना है और यहाँ पर हमें आउटपुट मेजर करना है। ये हमारा लोड रेसिस्टेंस RL हो गया, क्लियर। ऐसे ही हमारा संट क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाना है, यहाँ पर हमें डायोड कनेक्ट करना है और इसके अक्रॉस पैरेलल हमें इसको क्या लेना है, वोल्टेज मेजर करना है, आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर हमारा AC सिग्नल अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हमारा वी इनपुट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन बनाने के लिए फिर से हमें वही वेवफॉर्म पता होनी चाहिए। तो वेवफॉर्म क्या है हमारी, इनपुट वेवफॉर्म तो ये है, और आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी हमारी, आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव क्लिपर है ना, तो नेगेटिव वेवफॉर्म क्लिप हो जाएगी, यानी कि ये जीरो मिलेगी, ठीक है ना। तो ये वेवफॉर्म मिलेगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट यहां पर कैसे मिल सकता है, जब यहां पर करंट पहुंचे, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने चलो अप्लाई कर दी, यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने यहां पर अप्लाई करी, तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। अब डायोड को यहां किस तरह से लगाएं कि हमारी करंट यहां पर पहुंच जाए, करंट कब पहुंचेगी यहां पर, जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तभी तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, करंट फ्लो होगी और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो डायोड का हमें आप किस टाइप से लगाना है, इस टाइप से लगाना है। वैसे तो अगर पॉजिटिव आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव ध्यान है, तो नेगेटिव भी बहुत ईजिली हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट है। डायोड की डायरेक्शन पहले इधर थी अब इधर होगी, तो हमारा ये क्या हो गया, फॉरवर्ड हो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो फॉरवर्ड होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, करंट फ्लो होगी और रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे। रेसिस्टेंस में करंट फ्लो ही, वोल्टेज मेजर कर ली, तो जितनी हमने यहाँ पर अप्लाई की उतनी हमें यहाँ पर मिल जाएगी एज इट इज। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव होने की वजह से डायोड रिवर्स बायसिंग में जाएगा, रिवर्स बायसिंग में जाने पर ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, जब ओपन सर्किट होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जब करंट नहीं फ्लो होगी तो रेसिस्टेंस में जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट कितना मिला, जीरो। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सेम से है, बिल्कुल सेम सेम है और सिंपल है। कन्फ्यूजन इसीलिए होता है इसमें, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि बच्चों को क्लिपर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होने का मेन रीजन यही है कि सारे सेम सेम से हैं, ठीक है ना। बस तुम्हें तभी ये कन्फ्यूजन दूर होगा जब तुम्हें डायोड की जो प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताई है ना वो अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, न्यूमेरिकल आता है इससे हर बार जरूर। अब यहाँ पर शंट में पॉजिटिव में हमें आउटपुट चाहिए, तो पॉजिटिव में आउटपुट कब मिलेगा, जब पॉजिटिव आप साइकिल होगी, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव में अगर हमने फॉरवर्ड कर दिया तो आउटपुट तो जीरो मिलेगा, फॉरवर्ड में शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है और आउटपुट जीरो मिलता है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स करना है, तो कैथोड से कनेक्ट कर देंगे इसको, यानी कि कैथोड आपकी बार डायोड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ओपन हो जाएगा इस तरह से, और हम यहीं पर तो आउटपुट मेजर करें तो जो इनपुट पर अप्लाई किया वही आउटपुट पर मिल गया, क्लियर। और नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो यानी कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, जीरो, तो नेगेटिव में हमारी जीरो हो गई, क्लियर। दोनों क्लिपर क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए एक बार मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा वो पीछे है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो नेगेटिव क्लिपर क्या है, जो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव करे। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज नेगेटिव क्लिपर और एक होता है शंट नेगेटिव क्लिपर। सीरीज नेगेटिव क्लिपर में डायोड की डायरेक्शन इस तरह से है और रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ये इनपुट वेवफॉर्म है और ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है और ये इसकी आउटपुट वेवफॉर्म है। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है नेगेटिव क्लिपर में। शंट में हमने क्या डायोड को यहाँ कनेक्ट कर लिया, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, ठीक है ना। अब डायोड की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, यहाँ पर ये इनपुट हमने अप्लाई किया तो ये इनपुट वेवफॉर्म है, ये हमें इसकी आउटपुट वेवफॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो इसको अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूँ तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको समझाया है वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो था हमारा नेक्स्ट था बायस्ड क्लिपर। ये बायस्ड क्लिपर, ये जो तुम्हारा टू वे क्लिपर है या कॉम्बिनेशन क्लिपर है, इससे समझने से पहले आपको बायस्ड क्लिपर समझना है, ठीक है। तो मैं बायस्ड क्लिपर और बता देता हूँ हल्का सा जल्दी जल्दी। देखो बायस्ड क्लिपर भी हमारे फोर टाइप के हो जाते हैं, जैसे हमने अभी क्या उन कौन से क्लिपर पढ़े यहाँ पर, एक तो पॉजिटिव पढ़ा, एक हमने नेगेटिव पढ़ा, ठीक है ना, दोनों पढ़ लिए। अब बायस क्लिपर का जो पहला टाइप होगा वो कौन सा होगा, बायस पॉजिटिव क्लिपर, यानी जो पॉजिटिव क्लिपर था उसमें हमने बायसिंग कर दी है, तो इसलिए हम उसको बायस पॉजिटिव बोल रहे हैं, बायस पॉजिटिव क्लिपर। दूसरा कौन सा होगा, बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलैरिटी,
विद रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, यानी कि बैटरी की जो पोलैरिटी हम बायसिंग करेंगे तो बैटरी यूज करेंगे एक, अब जो बैटरी यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर पोलैरिटी रखी है उसको इसमें रिवर्स कर देंगे, उससे हमारी वेव फॉर्म में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। और फोर्थ कौन सा होगा, बायस्ड नेगेटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। तो ये चार टाइप के बायस क्लिपर हो जाते हैं। चलिए मैं एक एक बता देता हूं। पहला है हमारा, पहला है बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। बायस पॉजिटिव क्लिपर में क्या करना है, जो पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट बनाया था ना वही सर्किट बना लो। मैं सीरीज सीरीज बता रहा हूं, शंट में अपने आप समझते चले जाना, ठीक है। शंट में वही डायग्राम बनेंगे, शंट वाले सीरीज वाले बनेंगे, बस बैटरी कनेक्ट करनी है, बैटरी सेम रहेगी। जैसे मैं बायस पॉजिटिव क्लिपर के सीरीज में कनेक्ट करूंगा वैसे ही शंट में कनेक्ट कर लेना, वर्किंग बिल्कुल सेम है, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी सेम है। तो मैं बस सीरीज सीरीज वाले बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो पॉजिटिव क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर में हमने डायोड की डायरेक्शन कैसे बनाई थी, पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव साइकिल को रिमूव करेगा, पॉजिटिव साइकिल को। तो हमने जो डायोड की डायरेक्शन बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी, ठीक है। यहां पर हमने एक रेसिस्टेंस यूज कर लिया था। अब हमें क्या करना है, बायस बनाने के लिए इसको यहां पर एक बैटरी यूज करनी है। कहां पर, इस यहां पर बैटरी की जो पोलैरिटी है, पहले बस पोलैरिटीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है, यहां पर सिंपल है। देखो ये तो वी इनपुट हो गया हमारा, ये डायोड हो गया, ये हमारा लोड रेसिस्टेंस हो गया, और ये जो बैटरी है पॉजिटिव है, कुछ भी बैटरी का नेम दे सकते हैं, वी ए मान लो या वी बी मान लो, मतलब जो भी है कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ये बना लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान है ना, जो पॉजिटिव क्लिपर लिया हमने, बायस पॉजिटिव क्लिपर, उसमें पोलैरिटी इस तरह से लगाई है बैटरी की, यानी कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, क्लियर। बस ये सर्किट हमारा तैयार हो गया। आप देखो मैं इसकी वेवफॉर्म और समझा देता हूँ, वेवफॉर्म बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही हमारा शंट में होगा, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव क्लिपर है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव करेगा। चलिए देखते हैं कैसे रिमूव करता है, कितनी रिमूव करता है। यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अभी पॉजिटिव होने की वजह से डायोड तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसमें हमारी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। जस्ट वन सेकेंड, मैंने डायोड की जो डायरेक्शन है वो गलत बना दी है नी। चलो एक सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसलिए कहा है कि देखो वेवफॉर्म पहले बना लेना, वेवफॉर्म पहले बना लोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही पता लग जाएगा जैसे मुझे पता लग गया कि मैंने डायोड की डायरेक्शन जो है ना वो गलत बना ली है। डायोड की जो डायरेक्शन होगी ना वो इस तरह से होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, मतलब इसके पॉजिटिव क्लिपर के लिए, ठीक है ना। चलो तो जब ये पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होने पर अब हमारा क्या होगा, डायोड रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में है तो ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो आगे कोई करंट नहीं पहुंचेगी। लेकिन हम यहां पर बैटरी यूज कर रहे हैं और जो आउटपुट मेजर कर रहे हैं वो इन दो टर्मिनल के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच में तो आउटपुट मेजर कर रहे हैं, तो हमें यहां पर आउटपुट जो मिलने वाला है वो इतना तो मिलेगा ना जितने वोल्ट की डीसी बैटरी यूज कर रहे हैं। लेकिन लेकिन हमें क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमने जो बैटरी यूज करी है डीसी यूज करी है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, हमने जो बैटरी यूज करी है वो कौन सी करी है, डीसी बैटरी यूज करी है। तो जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, डीसी मिलने वाला है, ठीक है। अब डीसी कैसे मिलेगा, देखो ये जो एक एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज करो मैं बता देता हूं, ये हमने बैटरी यूज करी 5 वोल्ट की, ध्यान से समझना इस चीज को, ये हमने 5 वोल्ट की बैटरी यूज कर ली, तो ये तो आउटपुट डीसी जो देने वाला है वो कितना देने वाला है, जैसे सपोज करो यहां पर 5 वोल्ट है तो ये तो 5 वोल्ट देगा ऐसे इस तरह से। लेकिन हमने यहां पर जो यूज किया है, मान लो सपोज करो 10 वोल्ट की एसी सिग्नल अप्लाई किया है, तो एसी डायरेक्ट 10 वोल्ट पर थोड़ी ना पहुंच जाती है, ये डायरेक्ट 5 वोल्ट पे थोड़ी पहुंच जाएगी। एसी तो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, मान लो ये 10 वोल्ट का पीक है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पहुंचेगी। तो डायोड पर क्या है, इस बैटरी की वजह से तो इधर पॉजिटिव है और इस इनपुट सिग्नल की वजह से इधर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ फंस गया डायोड, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है, यहां से यहां तक सपोज करो ये 5 वोल्ट यहां पर है, 5 वोल्ट हमने मान लिया यहां पर है, तो जब तक ये 5 वोल्ट नहीं, 5 वोल्ट या उससे ज्यादा नहीं हो जाता तब तक तो ये इसको कंसीडर करेगा, जो हायर वोल्टेज होगी उसको कंसीडर करेगा। तो इसकी वजह से डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा और करंट हमारी पहुंच जाएगी आगे, तो यानी कि 5 वोल्ट तक तो हमारा आउटपुट एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये 5 वोल्ट से ऊपर होगी इनपुट वोल्टेज, तो क्या होगा, हमारी ये वाली वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो ओपन रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, तो ओपन सर्किट हो जाएगा।
ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, इसके जो इनपुट पे अप्लाई किया वो तो जाएगा नहीं आउटपुट पे, वो तो मिलेगा नहीं, पर जो बैटरी है वही फिक्स हो जाएगा कहाँ तक, इस तरह से यहाँ तक। और फिर उसके बाद यहाँ से जैसे ही डाउन होगी 5 वोल्ट से, तो ये फिर से हमारा इस तरह से वेवफॉर्म बन जाएगी। समझ में आया ना? तो यहाँ से पहले ये 5 वोल्ट तक जाएगा, फिर 5 वोल्ट पर हमें डीसी मिलेगी, फिक्स हो जाएगी वोल्टेज, फिर उसके बाद 5 वोल्ट से जैसे ही डाउन होगा ये, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग वन का वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और ये उस तरह से हमारा आउटपुट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो कुछ नहीं है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सिंपल है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है, और इस बैटरी की वजह से भी पॉजिटिव है, तो चाहे तो ये वाला पोटेंशियल ज्यादा हो चाहे ये वाला पोटेंशियल ज्यादा हो, दोनों ही केस में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में रहने वाला है। फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, रेजिस्टेंस में करंट पहुंचेगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा, जैसा कि हमने इनपुट पर अप्लाई किया हुआ है वैसे ही हमें सेम आउटपुट मिल जाएगा। तो ये इस तरह की वेवफॉर्म हमें मिल जाती है बायस पॉजिटिव क्लिपर में। पॉजिटिव बायस पॉजिटिव क्लिपर है तो यानी कि जो बायसिंग होगी पॉजिटिव में होगी, यानी पॉजिटिव में हमें जितनी वोल्ट आउटपुट चाहिए, ये 5 मत लिख लेना, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, यहाँ पर ये लिखना जितने वोल्ट की बैटरी यूज करोगे, यहाँ पर बैटरी वी ए, ठीक है ना? तो जितने वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे उतने वोल्टेज तक हमें आउटपुट मिल जाएगा, उसके बाद हमारा क्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये तो बायस पॉजिटिव क्लिपर हो गया। अब मैं बात करता हूँ बायस पॉजिटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलरिटी, जो सेकेंड था हमारा, बायस पॉजिटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलरिटी, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। ठीक है ना? क्या होगा, सर्किट बनाओ, अब तो बनाना सीख ही गए होंगे। सर्किट पॉजिटिव क्लिपर है तो डायोड तो हमारा इसी तरह से बनना है, बस पोलैरिटी चेंज करनी है, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव किया था इस बार नेगेटिव कर दो। ठीक है ना? यहां पर आउटपुट मेजर कर लो। ठीक है, यहां पर आउटपुट मेजर कर लेंगे, लोड रेसिस्टेंस हो गया आर एल, ये डायोड हो गया हमारा, ये वी इनपुट हो गया। ठीक है, बैटरी का नेगेटिव या पॉजिटिव, हमने उसे वी ए माना था तो इसको हम वी बी मान लेते हैं वो बैटरी को। ठीक है ना? चलिए, अब हमने ये इस तरह से कनेक्शन कर लिया, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव क्लिपर ही है, बायस पॉजिटिव क्लिपर ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो यानी कि हमारी जो इनपुट वेब फॉर्म होगी वो तो ये हो गई, अब जो आउटपुट वेब फॉर्म होगी वो किस तरह से मिलने वाली है, जरा ध्यान से समझेंगे इस बार। जैसे सपोज करो ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज होगी वी एम, और ये यहाँ पर मैंने मान लिया वी बी है, जो हमने वी बी मानी है बैटरी, तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर है वी बी, ये तो प्लस के लिए वी बी हो गया। अब लेकिन हमने ये तो बैटरी इस बार नेगेटिव ऊपर है नीचे पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव और मानना पड़ेगा, यहाँ पर वी बी हमने नेगेटिव साइड भी मान लिया, यहाँ पर ये माइनस वी बी हो गया और ये जीरो हो गया इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा वी एम मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पर हमारा माइनस वी एम मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट का है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से बना दी। अब देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसकी वजह से तो रिवर्स बायसिंग, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव है और इस बैटरी की वजह से नेगेटिव है, तो चाहे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो चाहे यहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो, दोनों ही केस में डायोड तो रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है, और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है तो ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो रेसिस्टेंस में तो कोई करंट नहीं पहुंचने वाला, तो फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा जो हमने जितने वोल्ट की बैटरी यूज की है। और कब मिलेगा, मान लो सपोज करो मैंने ये 5 वोल्ट की यूज की है, तो -5 वोल्ट हो गया। अब ये क्या है, ये मान लो 10 वोल्ट है, तो इसमें क्या होगा, ये यहां पर इस तरह से जाएगा 10 वोल्ट तक, फिर नीचे आएगा, फिर -1 2 3 4 5 6 ऐसे जाके 10 तक जाएगा, तो -5 या उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा, जब मतलब नेगेटिव में वोल्टेज जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक ये हमारा क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। तो यानी कि जो वी इनपुट है, वी इनपुट हमारा ग्रेटर देन नहीं होगा किससे, वी बी से, जब तक हमारा ग्रेटर देन नहीं होगा वी इनपुट, वी इनपुट हमारा ज्यादा नहीं होगा किससे, वी बी से। लेकिन ये ध्यान रखें नेगेटिव की बात चली, नेगेटिव में, ठीक है, तब तक ये हमारा क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। तो यानी कि हमें जो आउटपुट मिलने वाला है, तो यानी कि 5 वोल्ट तक, यानी कि वी बी तक हमें क्या मिलने वाला है, डीसी मिलने वाला है, यानी कि ये मिलने वाला है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज करो ये 5 वोल्ट यहाँ पर है, ये भी लाइन में खींच लेता हूँ, तो इस तरह से ये यहाँ तक हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। उसके बाद जैसी ये इनपुट वोल्टेज नेगेटिव में ज्यादा होगी, इस 5 वोल्ट से ज्यादा होगी, यानी -6 वोल्ट होगी, तो -6 वोल्ट होगी, तो ये वाली पोलैरिटी हमारी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इससे ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा,
शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, करंट फ्लो करेगी और जितना हमारा इनपुट पे बचा है उतना का उतना हमें इस तरह से ऐसे मिल जाएगा और फिर ये इस तरह से वेवफॉर्म मिलती रहेगी। तो पॉजिटिव बायस पॉजिटिव क्लिपर में हमें पॉजिटिव क्लिप हो रही थी कहां से, वीबी यानी वीए जो वोल्टेज हमने मानी थी उससे ऊपर की वेवफॉर्म। अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी तो नेगेटिव से ऊपर की वेवफॉर्म हमारी क्लिप हो रही है। नेक्स्ट मैं बता देता हूं, नेक्स्ट हमारा बायस्ड नेगेटिव क्लिपर लेंथी टॉपिक है इसलिए बहुत सारे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहां से एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है, बहुत इजी टॉपिक है। बायस नेगेटिव क्लिपर के लिए क्लिपर का नेगेटिव वाला जो डायग्राम है वो बना लो, ये रेसिस्टेंस लगा लो और बस बैटरी यूज करनी है यहाँ पर, यहाँ पर हमें आउटपुट लेना है, ठीक है ना। तो बैटरी कैसे यूज करनी है ध्यान रखेंगे, हमने उसमें जो बायस पॉजिटिव में करी थी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसमें नेगेटिव यहाँ पर नीचे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इसे हमने वी ए मान लिया, ये वी इनपुट हो गया हमारा, ये डायोड हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब फिर से वेवफॉर्म बना लेता हूँ, पहले मैं ये हमारी पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव, ये मैक्सिमम वोल्टेज वी एम, ये प्लस वी ए हो गया, ये जीरो, ये माइनस वी ए और ये माइनस का मैक्सिमम वी एम, ठीक है ना। चलो अब वेवफॉर्म बना लेते हैं इसकी, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या, अब देखो नेगेटिव क्लिप है तो नेगेटिव वेवफॉर्म क्लिप होगी, लेकिन कितने बाद होगी ये देखते हैं, पहले पॉजिटिव में देखते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसका ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव तो चाहिए, ये वाला पोटेंशियल ज्यादा हो, बैटरी ज्यादा वोल्ट की हो या ये ज्यादा, मतलब कोई सा भी हो, दोनों ही केस में हमारा डायोड फॉरवर्ड में रहेगा, फॉरवर्ड में रहेगा तो हमारा करंट फ्लो होगी, शॉर्ट सर्किट की तरफ वर्क करेगा और आउटपुट मिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमें एज इट इज आउटपुट मिल गया ये यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये सपोज करो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर हमने मान लिया ये माइनस का वी ए है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव है और ये बैटरी जैसा भी नेगेटिव, वही केस आ गया, दोनों तरफ से डायोड फंस गया, अब जिधर पोटेंशियल ज्यादा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। स्टार्टिंग में तो ये कम ही रहेगा जब तक ये, क्योंकि तो फिक्स है ना डीसी, तो स्टार्टिंग में ये कमी रहेगा तो उसकी वजह से ये ज्यादा रहेगा, तो ये ज्यादा रहेगा तो डायरेक्ट फॉरवर्ड में रहेगा, जब तक ये वोल्टेज इस वोल्टेज से नेगेटिव में ज्यादा ना हो जाए तब तक ये फॉरवर्ड ही रहेगा, तो फॉरवर्ड ही रहेगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हमें सेम आउटपुट इसी तरह से मिलेगा जैसे मिलता हुआ आ रहा है, जैसे इनपुट पे मिला था इस तरह से। लेकिन जैसे ये इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, इस बैटरी के वोल्टेज से, सपोज करो वी ए से ग्रेटर देन हो जाएगा तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव साइकिल चलिए, नेगेटिव पोटेंशियल ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो रिवर्स बायसिंग में होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जब करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट पे जितने वोल्ट की हमने बैटरी यूज की है वही हमारा फिक्स हो जाएगा डीसी, और फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा जैसे डाउन होगा वोल्टेज। तो ये हमारा नेगेटिव बायस नेगेटिव क्लिपर हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पोलैरिटी चेंज कर लो, चलो उसी में मैं बता देता हूँ। अब हम क्या करें, पोलैरिटी चेंज कर लें, जब हम पोलैरिटी चेंज करें, नहीं नेक्स्ट ही बताता हूँ, जब पोलैरिटी चेंज करेंगे, मैं एडिंग नहीं डाला, ठीक है, बायस नेगेटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये हो गया हमारा डायोड तो उसी तरह से बनेगा हमारा, रेसिस्टेंस भी उसी तरह से लगेगा, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब की बार ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर आउटपुट हम मेजर कर लेंगे वी आउटपुट, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और अब की बार बैटरी वी बी मान लेते हैं, ये आर एल हो गया, ये आर हो गया हमारा, ये डायोड हो गया, ये वी इनपुट हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव कह लो, या जैसे भी हम बायसिंग करेंगे वो वर्किंग करेंगे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वेवफॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव, ओ सॉरी, ठीक है ना। अब देखो फिर से वही है, मान लो सपोज करो ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, ये प्लस का वी बी, वी बी यूज किया, ये जीरो, ये माइनस का वी बी और ये माइनस का वी एम। अब वेवफॉर्म क्या मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने अप्लाई की, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने पर इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, अब तो फिर अब ये पॉजिटिव केस में फंस गया दोनों साइड से। तो स्टार्टिंग में तो ये कमी होगा ये ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में ये कम होगा ये ज्यादा होगा ना, ये तो फिक्स है। मान लो फाइव, और इसको फाइव तक पहुंचने के लिए जीरो से स्टार्ट होना है ना। तो जब तक ये स्मॉलर रहेगा इससे, लेस देन रहेगा वी इनपुट वी बी से, तो डायोड हमारा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, जितने की बैटरी है, बैटरी कितनी है वी बी की है, तो वी बी वोल्ट हमें यहाँ पर ही मिलने वाला है यहाँ तक पहले तो, ठीक है। अब उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या है ये पॉजिटिव है, और ये हमारा हाँ ये पॉजिटिव हो गया इधर, ये नेगेटिव है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हमारा जो डायोड है वो क्या है रिवर्स बायसिंग में तो ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है,
ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे हम, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैंने एक मिस्टेक कर दिया आपको, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से दोबारा से सुन लो। पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही केस में पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग में ये हमारा क्या होगा, कम होगा। हाँ, तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो कहाँ पर मिलने वाला है, मैं दोबारा से इसको बना लेता हूँ, एक सेकेंड। हम जो पढ़ रहे हैं बायस पॉज बायस नेगेटिव क्लिपर विद रिवर्स पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, तो जो हमारा ये बना था इस तरह से, तो अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, बस हमें पॉजिटिव हाफ मिलेगी। और कैसे मिलेगी, देखो जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक वी बी तक, इनपुट यहाँ से ये वी बी तक पहुँचेगा, तब तक तो हमारा क्या होगा, जब तक ये कम रहेगा तब तक ये ओपन स्टार्टिंग में कम रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और इधर भी पॉजिटिव है। मैंने बैटरी की पोलैरिटी गलत कर ली क्या, या डायोड गलत बनाया, एक सेकेंड, डायोड सही है, ठीक है, पोलैरिटी भी सही है। तो स्टार्टिंग में जब हम इनपुट अप्लाई किया हमने, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हो गया, इधर ये भी पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में वोल्टेज कम होगी, ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होने पर डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में, और हमें आउटपुट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाँ आउटपुट जो मिलेगा यहाँ तक, जब तक ये 5 वोल्ट तक ये वी बी तक पहुँचे तो हमें डीसी मिलेगा, क्योंकि ये तो ओपन है। और जैसे ही ये इनपुट वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा किससे, इससे, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, फॉरवर्ड में हो जाएगा, तो जैसे हमें यहाँ से ये इनपुट था उसी तरह से हमें आउटपुट यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ये इनपुट वोल्टेज इससे कम होगा, इस वाले वोल्टेज से, और ये चाहे नेगेटिव में चला जाए, नेगेटिव हाफ साइकिल में, हमें क्या मिलने वाला है, फिर तो ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा और आउटपुट हमें वही मिलने वाला है जो हमने यहाँ पर बैटरी यूज़ की है, तो वो फिक्स हो जाएगा पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये तुम्हारे क्लीपर तो हो गया, अब कॉम्बिनेशन क्लीपर जो है, कॉम्बिनेशन क्लीपर और देख लेते हैं, मैं उसी में बता देता हूँ डायग्राम में, ये कॉम्बिनेशन क्लिपर है। तो जो हमने बायस पॉजिटिव पढ़ा, यानी कि ये बायस पॉजिटिव का सर्किट है इतना ये, और जो हमने नेगेटिव पढ़ा ये नेगेटिव वाला है, शंट वाले, शंट के लिए, जो हमारे शंट, अब मैंने जो बताया तुम्हें सीरीज के लिए बताए हैं, तुम उसके अकॉर्डिंग शंट वाले भी बनाओगे, तो शंट वाले जो थे उसके जो शंट वाले बनेंगे वो वाले डायग्राम्स हमने बस यहाँ पर उठा लिए हैं। तो जब कॉम्बिनेशन करेंगे, तो कॉम्बिनेशन करने पर क्या होगा, जब हमारी पहले देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी अप्लाई, ध्यान से समझ लेना इसको, जब स्टार्टिंग में पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होने पर इस डायोड में यहाँ पर इधर पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ से पॉजिटिव है, लेकिन स्टार्टिंग में वोल्टेज ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी, तो जब तक कि इनपुट इनपुट सिग्नल ये वाला इस बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाता, तो डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में रहेगा और ओपन रहेगा, ओपन रहेगा। और उसके बाद जब इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव होने के बाद इधर नेगेटिव है, तो ये वाला डायोड तो हमारा रिवर्स बायसिंग में रहेगा दोनों ही केस में, जब इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात बता रहा हूँ दोनों के लिए, तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी और ये पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स में हो गया, तो दोनों ही हमारे क्या हो गए, रिवर्स में हो गए और ओपन सर्किट हो गए। तो जो इनपुट पे अप्लाई किया वही आउटपुट पे, कब तक, जब तक ये इनपुट वोल्टेज हमारी, ये इनपुट वोल्टेज इससे कम रहती है, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला, उतना ही मिलने वाला है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी किससे, इससे ज्यादा हो जाएगी, जो हमने बैटरी यूज की है VB1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन इस सर्किट में क्या होगा, ये फिर भी ओपन ही रहेगा, क्योंकि चाहे वोल्टेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चाहे कितना भी इंक्रीज हो, ये रहेगा रिवर्स बायसिंग में, ओपन ही रहेगा, तो ये तो हमारा ओपन ही है, ये तो हट जाएगा यहाँ से, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, जीरो, लेकिन बैटरी तो है, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करा, तो इस तरह से बैटरी तो लगी हुई है ना ये, तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट हमारा ये फिक्स हो जाएगा डीसी। उसके बाद जैसे ये वोल्टेज फिर से कम होकर आएगा उससे वीबी से, तो फिर से हमारा क्या होगा, ये ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, तो जो इनपुट है हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो अब ये वाला तो पूरे ही केस में शॉर्ट ओपन सर्किट रहेगा, यहाँ नेगेटिव है चाहे कितना बढ़े कितना घटे, नेगेटिव है तो और यहाँ पॉजिटिव ही है, तो ये तो रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट ही रहेगा। लेकिन ये जब तक ये वाली वोल्टेज नेगेटिव में ज़्यादा है, तब तक तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं वर्क करेगा, इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और ये जब तक ज़्यादा रहेगी इस वाले वोल्टेज से, तो ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायसिंग में रहेगा, रिवर्स में रहेगा तो ओपन रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो ओपन है। जैसे ही ये एसी सिग्नल की वोल्टेज ज़्यादा होगी इससे VB2 से, तो ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएगा, जब इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो डायोड हमारा फॉरवर्ड में हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा,
और हमारा जब ये शॉर्ट होगा तो इसके अक्रॉस तो वोल्टेज जीरो, लेकिन शॉर्ट सर्किट है तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतना वोल्ट हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये कम होगा तो फिर से हमें इनपुट वाला आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्लिपर है, ठीक है। तो आपका क्लिपर हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर लो कमेंट में, और नहीं है तो ठीक है, क्लिपर कंप्लीट हो गया। मैं इसका एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, उसके बाद क्लैंपर पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल के लिए एक सेकेंड में न्यूमेरिकल देख लेता हूँ। एक देखो, एक सर्किट है इस तरह से, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और एक डायोड है इस तरह से, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सर्किट दिया हुआ है और ये 1 किलो ओम है, ये डायोड हो गया हमारा, और ये जो रेसिस्टेंस है ये 4 किलो ओम का है। यहाँ पर हमें आउटपुट वेवफॉर्म मेजर करनी है। अगर इनपुट वेवफॉर्म ये दी हुई है तो इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है कितने की, 10 वोल्ट। ये +10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, एसी सिग्नल है, ये 0 है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, ये अप्लाई करना है, ये सर्किट दिया हुआ है, आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिलने वाली है वो बनानी है हमें। तो बस इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, किसमें, क्लिपर में, तो वर्किंग समझ में आएगी तभी कर पाओगे। तो चलो देख लेते हैं। बस क्या करना है, जो हमारी साइकिल है ना वो अप्लाई करनी है। साइकिल अप्लाई करो, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करो। पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हुआ क्या, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया। डायोड फॉरवर्ड हो गया तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो गई। करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, यहां पर 0। फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुई। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, जो करंट, जैसे ये रेसिस्टेंस है इस तरह से, दो रेसिस्टेंस यहां पर इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, इस तरह से सीरीज में है, तो सीरीज में हमारी वोल्टेज ड्रॉप होती है लेकिन करंट हमारी ड्रॉप नहीं होती, डिवाइड, सॉरी। यहां पर अगर सीरीज में है तो वोल्टेज यहां पर V1 होगी, और इस रेसिस्टेंस में मेजर करेंगे तो V2 होगी। दोनों पर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगी लेकिन करंट जो है वो सेम होगी। अगर यहां पर भी आई है तो यहां पर भी आई होगी। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें, इस तरह से पैरेलल की बात करें, तो जो वोल्टेज है वी, वो यहाँ भी वही होगी, तो फिर यहाँ पर भी उतनी होगी। सेम पैरेलल जो है ना सेम रहती है, डिवाइड नहीं होती, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर अगर I1 होगी तो यहाँ पर I2 हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखें। वैसे इलेक्ट्रिकल वाले सर ने आपको बता ही दिया होगा, जो करंट है वो पैरेलल सर्किट में डिवाइड होती है और वोल्टेज जो है वो सीरीज सर्किट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो पैरेलल है, ये वोल्टेज यहाँ पर 0 आई, तो जब यहाँ पर 0 है तो इस सर्किट, इस वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी तो हमें वोल्टेज 0 मिलने वाली है, क्लियर। तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहां तक जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्लियर। उसके बाद जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव यहां पर होने की वजह से ये डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, और रिवर्स बायसिंग में जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। जब ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो ये सर्किट बन जाएगा बस हमारा। अब देखो ये क्या है, हमारे ये सीरीज में हो गए दोनों रेसिस्टेंस। अब ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में हो गए तो हमें अब आउटपुट मेजर करना है। तो आउटपुट मेजर करने के लिए हम यहाँ पर कितना, हम इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये मेजर करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। इलेक्ट्रिकल में पढ़ लिया होगा, मैं हल्का सा बता देता हूँ अपने कैलकुलेशन के लिए। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जैसे मान लो हमें वी नॉट यहाँ पर मेजर करना है, तो ये वी नॉट जो होगा ना आउटपुट वोल्टेज, ये कितना होगा, ये जो रेसिस्टेंस है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है, तो उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितने किलो ओम का रेसिस्टेंस है, यानी कि जैसे मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो क्या करेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 जो सीरीज में होगा उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 4 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करा रखी है। इनपुट पे कितनी वोल्टेज अप्लाई करा रखी है, 10 वोल्ट, क्लियर। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10, और ये 5 से डिवाइड हो गया 2 टाइम, 2 4 8, यानी कि कितना हो गया, 8 वोल्ट। ये कितना हो गया हमारा, 8 वोल्ट। तो यहां पर जो आउटपुट मिला हमें वो कितना मिला, ये हमारा यहां तक तो मान लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए तो 0 मिला, और नेगेटिव के लिए हमें आउटपुट मिला इस तरह से। और यहां पर ये मार्क करेंगे वोल्टेज कितनी थी, 10 थी, लेकिन हमें कितनी मिली यहां पर, अब 8 वोल्ट। तो बस ये हमें आउटपुट वेवफॉर्म होगी, ये वोल्टेज और दिखानी है, एग्जामिनर आपसे ये वोल्टेज जानना चाह रहे हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो कर लेंगे, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी और जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं बाकी जब जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं जल्दी से सिलेबस पूरा कर लेता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपको अच्छे से। जैसे सिलेबस पूरा होता है मेरा, 5 यूनिट हो जाती है एग्जाम से, एक दिन पहले मैं, एक दिन या 2 दिन पहले बिल्कुल मॉडल पेपर लेके आऊँगा, और वो पेपर ऐसा होगा कि वो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, बाकी मैं उसमें ले लूंगा न्यूमेरिकल वगैरह जो है, ठीक है, उसको मैं लाइव लेक्चर लूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
सारे स्टूडेंट लाइव आ जाना उसमें। मेरे ख्याल से 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त को है शायद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, तो मैं 30 या 31 जुलाई को आपको लाइव आऊँगा, ठीक है, मॉडल पेपर लेके। बेस्ट मॉडल पेपर होगा, बहुत अच्छा होगा, अगर उसको देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें से फंसने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लैंपर। अभी क्लैंपर क्या कह रहा है, क्लैंपर भी हमारा एक सर्किट ही होता है, जैसे क्लिपर था, रेक्टिफायर था, लेकिन ये क्या करता है, क्लैंप। क्लैंप का मतलब जानते ही हैं, क्लैंप का मतलब क्लैंप करना है, यानी कि चढ़ाना। तो या तो ये पूरी वेवफॉर्म को पॉजिटिव हाफ साइकिल में चढ़ा देगा या पहुंचा देगा, या पूरी वेवफॉर्म को नेगेटिव हाफ साइकिल में। सपोज करो हमारी, इसमें हम समझाने के पर्पज से स्क्वायर वेव लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि समझ में अच्छा ऐसा है। जैसे मान लो ये वेव फॉर्म है, तो इसको ऊपर क्या करते हैं, पूरा शिफ्ट करते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो ये क्या होगी हमारी पूरी वेव फॉर्म, मान लो ये 1 वोल्ट था और ये 1 वोल्ट था, तो ये 2 वोल्ट तक यहाँ पर पहुंच गई, तो ये क्या होगी, पूरी वेव फॉर्म ऊपर शिफ्ट हो गई, तो पॉजिटिव हाफ में पहुंच गई। तो हमारी इस वेव फॉर्म को पूरे को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, क्लैंप कर देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्लैंपर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंज द डीसी लेवल ऑफ ए सिग्नल टू द डिजायर्ड लेवल विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। यानी कि जो शेप है ये इसी तरह की रहेगी, शेप स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगी, लेकिन ये शिफ्ट कर देगा ऊपर, लेवल शिफ्ट कर देगा इसका, या तो ऊपर या नीचे की तरफ। दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो नेगेटिव क्लिपर क्या कर रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप, पॉजिटिव क्लिपर क्या कर रहा था, पॉजिटिव साइकिल को क्लिप। लेकिन ये क्या कर रहा है, नेगेटिव क्लैंपर नेगेटिव में लेके जाएगा वेवफॉर्म को, नेगेटिव में लेके जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में लेके जाएगा वेवफॉर्म को, क्लैंप करा देगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहला है नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर में क्या है, वही हमें वर्किंग जो लिखनी है ना, इसी फॉर्म में लिखनी है, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या हुआ, फिर नेगेटिव में, पहले पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी। देखो इसमें हम क्या लेते हैं, समझाने के पर्पज से हमने क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर वेव फॉर्म ले लिया। अब स्क्वायर वेव फॉर्म ले ली, इसका ये सर्किट है, इसमें बस हमें एक कैपेसिटर और यूज करते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर हो गया, डायोड हमारा हम यूज कर ही रहे हैं, रेसिस्टेंस हम यूज कर ही रहे हैं, रेसिस्टेंस यहाँ पर, रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। तो ये इनपुट हमें यहाँ पर अप्लाई करानी है, ये सर्किट है हमारा, और ये सर्किट से क्या आउटपुट मिलने वाला है, तो हम अब देखने वाले हैं। तो देखो जैसे हम इनपुट पर अप्लाई कराएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो वही वर्किंग वही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले अप्लाई कराएंगे। तो जब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कराई, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड हमारा यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। क्लियर हो गई बात, पॉजिटिव हाफ साइकिल ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है, और रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलने वाला है, जीरो। तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट क्या मिला, जैसे मान लो सपोज करो यहां तक है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट क्या मिला, जीरो। समझ में आई बात। अब हमने अप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की थी, तो हमारा जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है। ये क्या करता है, जितना भी हम इस पे इनपुट दे रहे हैं उतने ही वोल्ट ये चार्ज हो जाता है इमीडिएटली, यानी कि जो इसका चार्जिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है, एकदम चार्ज हो जाता है, और जो डिस्चार्जिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि चार्जिंग टाइम के कंपैरिजन में डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है कैपेसिटर, और चार्ज जल्दी हो जाता है। तो जैसे हमने इनपुट पर अप्लाई किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल, कितना, वी वोल्ट, तो ये वी वोल्ट तक चार्ज हो गया था, चार्ज हो गया। अब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आई, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से है तो कितनी वोल्टेज, वी वोल्ट ही है ना, वोल्टेज तो वी है, तो मतलब कितनी भी है, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जितनी भी है, बस नेगेटिव हाफ, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव हाफ में वेव फॉर्म है। तो जब हमने इस पे अप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने पर क्या हुआ, इसमें यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल में वी इनपुट पर कितना हमने दिया, वी वोल्ट दिया, वी वोल्ट ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला टर्मिनल जो है हमारा ऊपर वाला, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होने पर हमारा डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा इस तरह से, और यानी कि जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पर ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो ये भी वी है और ये भी वी है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर रेसिस्टेंस में पहुंच जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 2V। तो यानी कि हमें क्या मिला, आपकी बार कितना वोल्टेज मिला, 2V, यानी कि 2 वोल्ट आउटपुट मिला। तो यहाँ से हमें कितना मिला, फिर 2 वोल्ट, तो ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्ट तक, कहाँ तक, ये 2 वोल्ट, अगर हमने 1 वोल्ट यूज़ किया था तो ये 2 वोल्ट हो गया। तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये 1 वोल्ट ये वाला, 1 वोल्ट ये वाला, ये यहाँ से पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये वेवफॉर्म हमारी कहाँ पहुँच गई, 2 वोल्ट पर पहुंच गई, ठीक है ना। मैंने गलत बना दिया है, ध्यान रखा करो थोड़ा सा तुम भी। हम नेगेटिव क्लैंपर पर पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव क्लैंपर में तो नेगेटिव में जाएगी ना, ये यहां से ये तो 0 है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस का है ना, तो -2 वोल्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पर ये माइनस टू वोल्ट तक हमें मिलेगी, तो ये जीरो से लेके माइनस टू वोल्ट तक हो गई। तो ये क्या हो गई, पूरी वेवफॉर्म हमारी यहाँ से ये नीचे शिफ्ट हो गई, ये वाला पोर्शन यहाँ पर पहुंच गया और ये और नीचे शिफ्ट हो गया। मान लो ये 1 वोल्ट था तो माइनस 2 वोल्ट तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा नेगेटिव क्लिपर, दोनों मैंने बता दिया है पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ और फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, ये इसकी वेवफॉर्म यहाँ पर बनी हुई है। देखो पूरी की पूरी नीचे शिफ्ट हो गई, मान लो ये वी थी तो ये 2V तक पहुंच गई। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आएगा पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर में हम पहले नेगेटिव साइकिल की वर्किंग बताते हैं, इसका भी एक रीजन है, अगर हम नेगेटिव नहीं बताएंगे तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी। चलो नेगेटिव अप्लाई करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव अप्लाई किया तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। इनपुट पर वोल्टेज कितना है, वी है, तो वी अप्लाई कर रहे हैं तो ये वी नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। अभी नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो कैपेसिटर हमारा वी वोल्ट चार्ज हो जाएगा जितना भी इनपुट हम दे रहे हैं। और ये फॉरवर्ड है तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज जीरो मिलेगा, जब ये जीरो होगा तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी हमें जीरो मिलेगा। तो इसमें हम इस तरह से करेंगे, देखो पहले हम नेगेटिव हाफ साइकिल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो नेगेटिव भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की यहाँ तक, तो नेगेटिव हाफ साइकिल तक हमें क्या मिला, जीरो मिला, जीरो। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, अब हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, जब इधर पॉजिटिव होगा तो ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में तो ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा, तो ये जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं वही डायरेक्ट हमारा रेसिस्टेंस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अब हम पॉजिटिव में भी वी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, वी वोल्ट, और ये भी वी वोल्ट ऑलरेडी चार्ज हो चुका था, तो दोनों कितने हो जाएंगे, वी प्लस वी, यानी कि हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2V। तो ये ऊपर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कहां तक पहुंच जाएगा, 2V तक पहुंच जाएगा। सपोज करो ये 2V है तो 2V तक हो गया, तो यानी कि हमें ये हो गया कि हमारी जो वेवफॉर्म नीचे थी यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गई। अगर ये वी और वी तक था, माइनस वी था, तो ये 2V तक पहुंच गई, तो यानी पूरी वेवफॉर्म हमारी ऊपर शिफ्ट होगी, तो ये पॉजिटिव क्लैंप हो गई। अब देखो अगर मैं पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल बता देता तो स्टार्टिंग में अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं यहाँ पर वर्किंग में, तो ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, डायोड हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट होता, ओपन सर्किट होता, ओपन सर्किट होने पर जितना हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे थे वही हमें आउटपुट में मिल जाता जितना भी हमने अप्लाई किया वी। ठीक है ना, और कैपेसिटर भी हमारा मतलब यह है कि कैपेसिटर पे क्योंकि उससे पहले कोई वोल्टेज नहीं थी, यही हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया, अगर पॉजिटिव आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वेवफॉर्म कुछ इस तरह की बनती कि अगर हमने पहले पॉजिटिव बता दी तो पॉजिटिव जितनी थी उतनी आती वी, ये वी, फिर हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो जीरो होती, फिर पॉजिटिव तब जाती 2V पर, फिर उसके बाद हमें 2V मिलने स्टार्ट होती इस तरह से। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म बनती, तो हमने इसको हटाने के लिए, इतने पोर्शन को हटाने के लिए पहले नेगेटिव हाफ साइकिल यूज कर ली वर्किंग में, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। ये इसका पॉजिटिव साइकिल हो गई, ये इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हो गई, यहाँ पर ये वेवफॉर्म जरूर बना के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या है, एक ऐसा सर्किट है जो वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके देता है, मल्टीप्लाई यानी कि हम चाहे तो हमें वोल्टेज को, जैसे हमने 2 वोल्ट यूज किया हमें 4 वोल्ट चाहिए यानी डबल, तो हम वोल्ट यानी कि वोल्टेज को अगर डबल करना है तो डबलर यूज कर लेते हैं, 3 टाइम्स मल्टीपल लेना है उसका तो ट्रिपलर यूज कर लेते हैं, 4 टाइम लेना है तो क्वाड्रिपलर यूज कर लेते हैं, ऐसे हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो आते हैं ट्रिपलर तक ही क्वाड्रिपलर तक ही आते हैं, तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो हमारे वोल्टेज को मल्टीपल पीक्स में आउटपुट देता है यानी मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज डबलर, ट्रिपलर, क्वाड्रिपलर। जो डबलर है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा हाफ वेव वोल्टेज डबलर और एक होता है फुल वेव वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आता है ना डबलर तो डबलर में जाता है वोल्टेज डबलर ही पूछता है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी ट्रिपलर पूछ लेता है बस, वैसे तो यहीं तक पूछता है ज्यादातर। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ये वोल्टेज डबलर है ये भी 2 टाइप के, फुल वेव, हाफ वेव। तो पहले फुल वेव को देख लेते हैं, फुल वेव का सर्किट कुछ इस तरह से है, सर्किट को ध्यान से देख लो, यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है, यहाँ पर एक डायोड D1 और एक डायोड D2। अब देखो सर्किट ध्यान से समझना, ये हमने ट्रांसफार्मर इस तरह से कनेक्ट करा, इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करा और यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर लिया और ये डायोड यूज कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने आउटपुट ले लिया। अब हमने क्या करा, इस वाले टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट किया और ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, इस तरह से लेके जाएंगे इसको, यानी कि जो वायर इधर वाला जा रहा है ना ये इस तरह से है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो ये वायर यहाँ से आया कनेक्ट हो गया। अब डायोड की डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, डायोड और लगा दिया यहाँ पर और फिर एक कैपेसिटर और यूज कर लिया और इसको फिर यहाँ से इस वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, तो हमारे 2 सर्किट बन गए यहाँ पर। ठीक है ना, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। देखो डबलर यानी कि वोल्टेज हमने अप्लाई किया वी इन, जो वी हमने अप्लाई किया यहाँ पर, मान लो वी एम अप्लाई कर दिया, जो भी वोल्टेज होगी हमारी वी एम हमने अप्लाई कर दी यहाँ पर, तो जब इसमें भी फिर से वही बात, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, तो जब पॉजिटिव आप साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव।
अब जब यहाँ पॉजिटिव है तो इस डायोड के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव पहुँचेगा, और ये यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं है ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, और ये इससे नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट है तो ये नेगेटिव इधर भी नेगेटिव होगा और यहाँ से इधर भी नेगेटिव होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये डायोड तुम्हारा कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, और ये इधर पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड हमारा कौन सी बायसिंग में हो गया, रिवर्स बायसिंग में यूज हो, रिवर्स बायसिंग में हो गया। जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स हो गया तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा और ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो एक तो सर्किट ये वाला जो सर्किट है ये यहाँ से इस तरह से गया, यहाँ से इस तरह से, और ये वाला ये सर्किट तो हमारा क्लोज हो गया क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन जो ये वाला सर्किट है यहाँ से इस तरह से जो गया हमारा, ये वाला जो सर्किट है इस तरह से यहाँ से इस तरह से जो गया ये वाला, ये यहाँ पर आकर ओपन हो गया इस तरह से। तो ये वाला सर्किट तो हमारा क्लोज नहीं हुआ, ये तो ओपन हो गया, ये वाला यहाँ पर ओपन है। तो हमारे इस वाले सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी, तो जितनी वोल्टेज अप्लाई की यहाँ पर उतने का उतना हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया Vm पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और ये नहीं चार्ज हुआ अभी। फिर हमने क्या करा, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने पर क्या होगा हमारा, जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव पहुंचेगा और ये इस टर्मिनल से कनेक्ट है इसी तरह से, तो यहाँ पर नेगेटिव पहुंचेगा, और इस वाले टर्मिनल पे इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। तो जब ये इधर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से ये डायोड तुम्हारा रिवर्स बायसिंग में होगा तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और ये डायोड इस नेगेटिव की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो अब की बार जो सर्किट हमारा क्लोज सर्किट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कौन सा कलर लूँ अब, चलो ये ले लेता हूँ ठीक है। तो जब आपकी बार ये ओपन है तो ये वाला क्लोज होगा, तो यानी कि ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल में, इस तरह से ये सर्किट पूरा क्लोज हो गया। तो इस बार इस वाले सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी, तो ये वाला नेगेटिव में भी वोल्टेज कितनी है, Vm है, तो ये भी Vm चार्ज हो जाएगा ठीक है ना। अब क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल भी होगी तो पूरी दो साइकिल होने के बाद हमें यहाँ पर ये Vm चार्ज हुआ था पहले, अब ये Vm चार्ज हो गया, तो दोनों का जब एक पूरी कंप्लीट साइकिल हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों पूरी हो जाएंगी, तो हमें अब आउटपुट मिलेगा कितना, मिलेगा 2 Vm हो जाएगा हमारा आउटपुट जो हो जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 2 Vm हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। कितना हो गया, 2 Vm हो गया। अब आप कहोगे कि ये तो पॉजिटिव में चार्ज हुआ था तो डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ, तो हम जब तक यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कैपेसिटर क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि मैंने बताया इसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता है, डिस्चार्जिंग टाइम कम होता है, तो डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी उतना ही चार्ज रह जाएगा जब तक हम इसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, दोनों का सेम मिल जाएगा ठीक है। नेक्स्ट हाफ वेव वोल्टेज डबलर का सर्किट भी इसी से बनेगा, फुल वेव वोल्टेज डबलर, सॉरी हाफ वेव वोल्टेज डबलर का हो जाएगा, और ट्रिपलर का भी इसी से बन जाएगा, क्वाड्रिपलर से भी, क्वाड्रिपलर भी इसी का बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले हाफ वेव वोल्टेज डबलर की बात कर लेते हैं, तो इतना सर्किट अगर मैं ले लूं यहां से यहां तक बस, तो ये सर्किट तो वोल्टेज डबलर का है, फिर उसके बाद में ये वाला सर्किट और ऐड कर लूं इसमें ये, तो ये ट्रिपलर का हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सर्किट और ऐड कर लूं तो ये क्वाड्रिपलर हो जाएगा, ऐसे में और बढ़ा लूंगा एक तो हमारा 5 टाइम मल्टीपल करके दे देगा, और एक बढ़ा लेंगे तो 6 टाइम मल्टीपल करके दे देगा। तो इसकी वर्किंग समझ लेते हैं हम ठीक है। देखो सर्किट मैंने एक में ले लिया है, यहां तक बनाना है, अगर तुम्हारा डबलर आता है ना हाफ वेव डबलर, तो ये बस दो डायोड तक बनाना है यहाँ तक, इससे पीछे पीछे, और डबलर का जो आउटपुट लेंगे वो हम इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में लेंगे, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे, इस कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा। जब ट्रिपलर की बात आएगी तो एक डायोड और ले लेंगे यहाँ तक, ले लेंगे इस डायोड तक, तीसरे डायोड तक, और आउटपुट जो लेंगे इन दोनों टर्मिनल के बीच में मेजर करेंगे, और अगर क्वाड्रिपलर की बात आएगी तो हमें ये वाला भी डायोड लेना है, और आउटपुट जो मेजर करेंगे वो इन दोनों टर्मिनल के बीच में मेजर करेंगे ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब हमने पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, ध्यान से समझना, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ठीक। लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जैसे ही पॉजिटिव होगा तो ये डायोड तो फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, ये सर्किट हमारा बस क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी जीरो, तो यहाँ पर भी हमें जीरो मिलेगी, यहाँ पर भी जीरो मिलेगी, और यहाँ पर भी जीरो मिलेगी, यानी कि इनसे आगे सब सर्किट में जीरो होगी। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, बस पहली हाफ साइकिल में जब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तो ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो गया Vm वोल्ट पहली हाफ साइकिल में। अब हमने दूसरी हाफ साइकिल अप्लाई करी, दूसरी कौन सी हाफ साइकिल अप्लाई करी, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब जैसे नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये डायोड तो हमारा ओपन हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायसिंग में चला गया, ओपन हो गया, लेकिन अब की बार ये नेगेटिव में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके बाद जो आउटपुट होगा वो जीरो हो जाएगा, आगे तो जीरो, ये वोल्टेज ड्रॉप जीरो करेगा तो जीरो रहेगा,
बाकी कैपेसिटर भी हमारे जीरो पड़े हुए हैं, अभी वहां तक वोल्टेज पहुंचा ही नहीं है। तो लेकिन अब क्या हुआ, ये ओपन हो गया तो सर्किट जो बना हमारा वो यहां से यहां तक बना बस इतना। तो जब ये वीएम चार्ज था, फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, उसमें भी वीएम है, तो ये दोनों ये वीएम ऐड होकर यहाँ पर 2 वीएम टोटल इस कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे, कितना 2 वीएम। तो यहाँ पर हम आउटपुट मेजर कर लेंगे, इन दोनों टर्मिनल में हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 2 वीएम, यानी कि डबलर हो गया। उसके बाद फिर से हमने तीसरी यानी कि दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल कह लो या तीसरी हाफ साइकिल अप्लाई करी। तो जैसे ही तीसरी हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपके पास फिर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये डायोड हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, पॉजिटिव की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। तब फॉरवर्ड होगा तो ये तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो करेगा, लेकिन ये तो हमारा पॉजिटिव की वजह से किस में हो गया, रिवर्स में हो गया, तो ये ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेगा। अब हमारा क्या था, देखो ये तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो करा, लेकिन ये कैपेसिटर तो चार्ज हो गया था इससे पिछली वाले साइकिल में 2 वीएम, तो ये 2 वीएम यहां से हमारा क्या करेगा, इस सर्किट को भी, इस वाले कैपेसिटर को भी चार्ज कर देगा, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड भी फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, ये आगे जीरो वोल्टेज देगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगी, इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये ओपन हो गया ना, इतना सर्किट हो गया ये वाला, तो इसमें ये 2 वीएम है ना, तो ये 2 वीएम भी इसको भी चार्ज कर देगा, तो ये भी 2 वीएम हो गया। अब तो जब ये 2 वीएम हो गया और हम इन दोनों टर्मिनल के बीच में आउटपुट मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 वीएम हो गया, ये वीएम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 वीएम। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्रिपलर का सर्किट हो गया यहाँ तक। ऐसे जैसे क्वाड्रिपलर आएगा, क्वाड्रिपलर के लिए क्या होगा, अगली नेक्स्ट साइकिल आएगी, कौन सी साइकिल आएगी, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगी, अगली जो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव। अब क्या होगा, इस नेगेटिव वेज से ओपन ओपन हो गया, तो ये वाला कैपेसिटर हमारा वीएम है, ये वीएम वीएम मिलकर फिर से 2 वीएम चार्ज कर देगा, ये 2 वीएम चार्ज रहेगा, लेकिन ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव वेज से फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो, लेकिन ये पिछली बार ये क्या हो गया था, वीएम चार्ज हो गया था, लेकिन अब की बार ये नेगेटिव है तो ये रिवर्स में चला गया, तो ओपन हो गया, तो यानी कि अब, और ये नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया इस नेगेटिव वे से, तो ये हमारा ओपन, तो ये वाला जो सर्किट है इस तरह से हमारा सर्किट क्लोज हो गया। ये वीएम 2 वीएम है, तो ये वाला कैपेसिटर भी जो है ना, ये वाला भी 2 वीएम हो जाएगा हमारा। अब जो हम मेजर करने वाले आउटपुट यहां से यहां तक मेजर करने वाले, तो कितने कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है और एक ये है, ये कितना है 2 वीएम, ये कितना है 2 वीएम, तो 2 वीएम 2 वीएम मिलकर कितना बन गया, 4 वीएम। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिपलर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर और अच्छे से समझना तो एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लो, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट कर दो, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट है इनमें से उसको मॉडल पेपर में लेके ही आऊंगा, तो आप निश्चिंत रहें बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस, ये भी टू टर्मिनल डायोड ही होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं हम इन डायोड्स को, स्पेशल डायोड्स होते हैं जिनमें हमारे यहाँ पर जो सिलेबस में है वो वैरेक्टर डायोड है, टनल डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी है, फोटो डायोड है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी है। यहाँ पर बस मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो तीन टॉपिक्स ये वाले जो इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टनल डायोड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड क्या कहता है हमारा, टनल डायोड क्या है एक्चुअल में, टनल डायोड जो है, हमने इस डायोड तो पढ़ लिया, वही सेम यहाँ पर भी है, पी एन जंक्शन डायोड है, पी टाइप है, एन टाइप है, लेकिन देखो जो हमारा सिंपल पी एन जंक्शन डायोड था उसका जो सर्किट सिंबल बनता है वो इस तरह से बनता है, इनके सर्किट सिंबल जरूर ध्यान से समझ लेना सबके, ये तो सिंपल पी एन जंक्शन डायोड का हो गया। टनल डायोड में इस तरह से हम यहाँ पर इसको इस तरह से बनाते हैं, तो ये टनल डायोड का सर्किट सिंबल हो गया है, यही पी, ये एन और ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड, वही है टनल डायोड में। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, ये हमारा सिंपल जो डायोड है इसमें जो डोपिंग कराते हैं हम वो बहुत कम होती है, इसके कम डोपिंग के कंपैरिजन में इसमें जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कितनी हाई होती है, लगभग 1000 टाइम्स हाई होती है, 1000 टाइम जो है ना इसकी सिंपल डायोड से ज़्यादा ग्रेटर हमारी क्या होती है, डोपिंग होती है टनल डायोड में। तो ज़्यादा डोपिंग कराएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा डोपिंग कराने पर जैसे मान लो यही हमारा पी एन जंक्शन डायोड है इस तरह से, अब मैं इसमें यहीं पर बता देता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो ये हमारी हमने पॉजिटिव मतलब ये इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, इसको नेगेटिव से, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, ये डिप्लीशन लेयर है। अब हमें पता है इसमें बहुत ज़्यादा डोपिंग कराएंगे तो डोपिंग होने पर ज़्यादा डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम होती है, जितनी ज़्यादा डोपिंग कराएंगे उतनी जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी विड्थ। तो जितनी ज़्यादा हम डोपिंग कराते हैं, तो हमने इसमें क्या करा, डोपिंग करानी स्टार्ट कर दी, डोपिंग करानी स्टार्ट कर दी, डोपिंग कितनी करा रहा है, 1000 टाइम्स ग्रेटर देन सिंपल डायोड, यानी कि जिस इससे 1000 टाइम ग्रेटर। तो जब हमने इसमें डोपिंग कराई तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो गई, नैरो हो गई, ये डिफरेंस आता है इसमें, कितनी हो जाती है, वेरी नैरो,
एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर तक हो जाती है, ठीक है। तो अब जब हमने डिप्लीशन लेयर इसकी क्या कर दी, कम कर दी, तो होता क्या है, अब देखो इसकी मैं वर्किंग बता देता हूँ, और जो वर्किंग में आएगा, एक इसमें टर्म पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टनलिंग इफेक्ट। ये टनलिंग इफेक्ट जो है, ये टनलिंग इफेक्ट जो है, ये बहुत पूछा जाता है दो नंबर के क्वेश्चन में। तो टनलिंग इफेक्ट होता क्या है, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझो। देखो ये हमारा डायोड है, ये इसकी डिप्लीशन लेयर हो गई, ठीक है, ये डायोड है हमारा। अब हमने क्या करा, जो हमारा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड था, हमने क्या करा, वोल्टेज था ये वीएफ, इसको हमने क्या करा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी देख लो, करेक्टरिस्टिक्स भी आती है एग्जाम में। हमने क्या करा, जैसे इसमें वोल्टेज अप्लाई करी, तो अप्लाई करने पर कुछ देर बाद ऐसे जो सिंपल डायोड होता है ना, इस तरह से वेव फॉर्म होती है उसकी, लेकिन इसकी ऐसे नहीं बनेगी। इसकी कैसे बनेगी, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें डोपिंग करा दी, बहुत ज़्यादा डोपिंग करा दी, तो डोपिंग हमारी डिप्लीशन लेयर में भी होगी यहाँ पर। तो क्या होगा, जब हमने बहुत ज़्यादा डोपिंग कराई इसमें, तो डोपिंग कराने पर इसमें टनल बन जाते हैं, मतलब इस तरह से डिप्लीशन लेयर में इस तरह से टनल बन जाते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा डोपिंग होने की वजह से। तो टनल यानी कि हमारे जो होते हैं इसमें आयंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं जो हम डोपिंग करा रहे हैं उनसे, और यानी कि टनल बन जाते हैं, टनल मतलब सुरंग बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं ना, वो पास होना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। जब वो पास होना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग में हाई डोपिंग की वजह से, तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग से इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ने पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी तो कम हो रही है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी कम हो रही है साथ के साथ। अब देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने इकट्ठे कर लिए, और एक छोटा सा रास्ता दे दिया कि वहाँ से बच्चों को पास होना है, और हमने ये कहा कि वहाँ पर कोई इमरजेंसी लगा दी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकल जाओ, वरना कोई इमरजेंसी है, कोई खतरा है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस जो छोटा सा रास्ता है वहाँ पर जाकर भीड़ लगा लेंगे, तो स्टार्टिंग में एक दो तो जल्दी से निकल जाएंगे, तो जो इस टनल के थ्रू जल्दी से इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो उसकी वजह से तो हमारा करंट फ्लो हो गया स्टार्टिंग में, नॉर्मल करंट, जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया वैसे ही हमारा करंट पास हो गया। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही थोड़ा टाइम होगा तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, तो जब ज़्यादा भीड़ होगी तो धक्का मुक्की होगी वहाँ पर, जल्दी से पास नहीं हो पाएंगे, फिर पास जो हो रहे होंगे वो धीरे स्लो हो जाएंगे। तो जो पास हो रहे थे स्पीड से, अब भीड़ होने की वजह से ज़्यादा उनको मतलब ये लग रहा था कि हम यहाँ से पास हो सकते हैं, तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएंगी, तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा, यानी उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो जब स्पीड स्लो होगी तो उस टाइम पर हमारा करंट भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, इस तरह से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट हमारा कुछ देर के लिए डाउन हो गया, क्यों, क्योंकि स्पीड स्लो होगी। लेकिन साथ के साथ जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ, इससे भी तो जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से भी तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो रही है, तो एक वोल्टेज लेवल ऐसा आता है कि डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो फिर हमारा नॉर्मल पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब नॉर्मल पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर से हमारे इस तरह से करंट नॉर्मल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये बनती है, और यही हमारा टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। मैं इसमें बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है, इन पीएन जंक्शन ए पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट। पीएन जंक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट होता है, यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर तो होता है जो पास नहीं होने देता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब उधर जाना है तो वो कब जाएंगे, जब इस उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस पोटेंशियल बैरियर में जो एनर्जी पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर जो है इसका बैरियर का जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा होगी, तभी वो क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिज्म, एन इलेक्ट्रॉन कैन पास द बैरियर इफ इट हैज़ एन एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यानी कि जब ज़्यादा होगी तभी पास कर पाएगा। लेकिन हम इसमें डोपिंग करा रहे हैं, तो डोपिंग कराने की वजह से हमारा क्या होगा, एक यहाँ पर मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रॉन का, और उसमें क्या होगा कि जो एनर्जी अगर कम भी है ना, तो वो भी पास कर जाएंगे। किसके थ्रू पास करेंगे, बैरियर को पास कर जाएंगे, किसके थ्रू, टनल के थ्रू, जो टनल बनेगा। तो इसी प्रोसेस को जो होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, टनलिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। और जो ये डायोड बनता है हाई डोपिंग के साथ, तो ये हमारा डायोड जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, टनल डायोड कहलाता है, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये रही जो मैंने बना के दिखाई है, अभी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक तो हमारा सिंपल करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर लिखे हुए भी है पॉइंट, ए से बी तक क्या है कि करंट इंक्रीज टिल पॉइंट बी, बी तक इंक्रीज हो रही है एट वेरी लो वोल्टेज ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट, यानी कि टनल क्रिएट हो गया उसमें, तो उस टनलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, फ्लो होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर मैंने बताया ना, इस जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो स्लो होगी तो अभी तो बड़ी हुई थी तो स्लो ही, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कम पास होंगे तो करंट भी डाउन हो जाएगी, तो ये सी लेवल तक क्या होगा, बी से सी तक हमारी करंट डाउन होगी। तो इस लेवल को यहाँ से बी से सी तक को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोलते हैं। ये टर्म भी पूछी जाती है, जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना, एक तो टनलिंग इफेक्ट और एक नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, ये पूछा जाता है टनल डायोड में, ठीक है। तो पॉइंट बी से सी क्या कह रहा है, करंट डिक्रीज टिल पॉइंट सी, यानी कि बी से लेकर सी तक जो है वो हमारी डिक्रीज होगी,
एट पॉइंट सी करंट इज मिनिमम, सी पे मिनिमम होगी, उसके बाद जो हमारा नेगेटिव, ये जो कहलाता है नेगेटिव रेसिस्टेंस कहलाता है, फिर उसके बाद वोल्टेज, तो मैंने बताया ना यहाँ पर वोल्टेज तो कंटिन्यूसली हम बढ़ा ही रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, उसके बाद क्या होता है फिर डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हो जाती है, फिर नॉर्मल करंट हमारी फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा टनल डायोड। चलिए अब एलईडी को समझ लेते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, एलईडी जो वर्क करती है, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है एलईडी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, एलईडी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एलईडी का जो सर्किट सिंबल है वो ये है सर्किट सिंबल, इसका ध्यान रखो, सिंपल डायोड है, एनोड और कैथोड, लेकिन इस तरह से एरो दिखाने बाहर की तरफ, एमिट करते हुए, लाइट को एमिट करते हुए। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एलईडी देखो हमारा जो सिंपल डायोड है वो तो सिलिकॉन का हम यूज़ करते हैं या जर्मेनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, लेकिन हम एलईडी जो बनाते हैं वो ना तो सिलिकॉन की बनाते हैं ना जर्मेनियम की, हम किसकी बनाते हैं, या तो गैलियम आर्सेनाइड की बनाते हैं या गैलियम फॉस्फाइड की बनाते हैं, दो मेटल को मिला के बनाते हैं, गैलियम फॉस्फोरस या आर्सेनिक, कोई सा भी इनमें से गैलियम आर्सेनिक या गैलियम फॉस्फोरस या गैलियम आर्सेनाइड इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये हमारे हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल है, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ये हीट प्रोड्यूसिंग मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आगे। एलईडी जो है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये केवल फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करती है, यानी कि पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तभी ये वर्क करती है, ठीक है। और वर्क कैसे करती है, चलो मैं इसका प्रिंसिपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो हमारा जो मटेरियल होता है ये भी एक मटेरियल है, हमें पता है मटेरियल में दो तरह के हमारे बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा क्या है कंडक्शन बैंड है। तो हमारा क्या होता है स्टार्टिंग में एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर होल है, हमने इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल को सप्लाई दी, इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ, चार्ज होकर हमारा यहाँ पर चला गया कंडक्शन बैंड में, उसके पास इतनी एनर्जी हो गई कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो कंडक्शन बैंड में जब वो पहुंचा तो इस होल के साथ वो क्या हो गया कंबाइन हो गया, क्या हो गया कंबाइन, कंबाइन हो गया। अब क्या होता है जैसे वो कंबाइन तो हो गया, अब कंबाइन होने के बाद क्या होगा वो इस लेवल पे ही थोड़ी रहेगा, उसके पास इतनी एनर्जी थोड़ी रहेगी, तुम घर से खाना खा, तुमने शुरू में खाना खाया सुबह उठ के, खाना खा के तुम्हारे पास एनर्जी आ गई, तुम खेलने कूदने पहुंच गए, एनर्जी तुम्हारी डाउन हुई, डाउन हुई तुमने फिर क्या करा दोबारा खाना खाया, तो एनर्जी ऐसी इसके साथ है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर एनर्जी दे दी थी, एनर्जी वहाँ पर पहुंची, इसने क्या करा यहाँ पर स्कैटरिंग करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि रैंडमली मोशन करना स्टार्ट कर दिया। जब मोशन करेगा इधर उधर मूव करेगा तो क्या होगा एनर्जी डाउन होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, करंट तो प्रोड्यूस हो गई क्योंकि मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अब क्या कर रहा है एनर्जी डाउन होगी। ये जो बैंड गैप होता है यहाँ पर भी तो कुछ एनर्जी होती है, मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और यहाँ पर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 के बाद पहुंचाना कंडक्शन बैंड में, अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से जहाँ पर गया था यहाँ पर कोई होल है, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ के बाद क्या करेगा नीचे आना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होगी डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब एनर्जी रिड्यूस हो रही होगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी ये इस एनर्जी को क्या करेगा लाइट के फॉर्म में एमिट करके अपनी डाउन करेगा एनर्जी को, ठीक है, यानी कि जो इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की जो डाउन होगी वो उसको क्या करेगा लाइट के फॉर्म में एमिट कर देगा। तो ये जो और जब यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये आकर क्या हुआ यहाँ पर रिकम्बाइन हुआ, रिकम्बाइन, तो मेन तो तुम्हारा ये वाला ही है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जब जाएगा तो ये हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल कहलाता है। क्या है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल, कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ ट्रेवल करता है या हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन होता है होल के साथ, तो रिकॉम्बिनेशन जब हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो लाइट की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर प्रोड्यूस करता है, लाइट की फॉर्म में एमिट करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है लाइट एमिटिंग डायोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पर ये दिखा रखा है लाइट उसी टाइम पर एमिट होगी कब, जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा एलईडी का प्रिंसिपल हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या है, फोटोडायोड में देखो फोटोडायोड का जो सर्किट सिंबल है वो क्या है, इसमें एरो क्या है ये इधर, ये क्या है फोटोन, यानी कि लाइट एनर्जी हम डाल रहे हैं इस बार डायोड पर। डायोड हमारा टू टर्मिनल डिवाइस है, एक तरफ हमारा पी है एक तरफ एन है, पी को एनोड से कनेक्ट कर लिया, एन को कैथोड से कनेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करा आगे इसमें बता देता हूँ डायग्राम में, देखो ये है ये डिप्लीशन लेयर है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो एलईडी है वो तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं, जो फोटोडायोड है उसे नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल गलत बोल रहा हूँ, रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं। एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं और इसको फोटोडायोड को हम कैम यूज़ करते हैं रिवर्स बायसिंग में, ठीक है ना। तो यानी रिवर्स बायसिंग में ये नेगेटिव होगा इधर टर्मिनल पी और ये इधर टर्मिनल हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा, रुको एक सेकंड कौन सा कलर चमकेगा इस पे, ये नेगेटिव हो गया इधर और ये इधर हमारा क्या हो गया पॉजिटिव। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो बढ़ गई,
तो हम क्या कर रहे हैं इस पर डिप्लीशन लेयर पर, क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, यानी कि हमने लाइट यानी फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो जो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे, जो आयन्स होंगे, जब उन पर हम लाइट डालेंगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी, या जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इधर कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उधर क्या जाएंगे, होल्स जाएंगे। तो ये एन है, एन में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके मेजोरिटी कैरियर्स तो इधर चले गए, पॉजिटिव की तरफ चले गए, ठीक है ना। यानी कि इसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, वो कहाँ जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और इधर जाके नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, और होल्स इस तरफ चले जाएंगे हमारे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर की तरफ मूव करेंगे, इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरह ये, इस तरह इस डायरेक्शन में हमारी ये क्या हो जाएगी, फोटो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पर। तो बस अब देखो, मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ, व्हेन ए लाइट और फोटोन इज यूज टू इल्यूमिनेट पी एन जंक्शन, देन फोटोन हिट्स द इमोबाइल आयंस, यानी कि जो इमोबाइल आयंस है डिप्लीशन लेयर में, उन पर हिट करेंगे और प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर में प्रेजेंट है। फिर क्या कह रहा है, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ध्यान रखेंगे, देन कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो इस तरह से बना हुआ था ना, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल जो है वो उनका पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इधर उधर जंक्शन के। तो जब हमारे मूव करेंगे, तो होल जो मूव करेंगे वो तो एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, कैथोड, कैथोड से मूव करेंगे, यानी कैथोड की तरफ से जाएंगे और कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो होल्स हैं हमारे वो किधर करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स हमारे इधर एनोड की तरफ, और क्या इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है हमारा, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, बस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फोटो करंट, एक फोटो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं, बस ये हमारा क्या था, फोटो डायोड था, ठीक है। चलिए, ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका, मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, लेकिन मैं लास्ट में एक मॉडल पेपर जरूर लेके आऊंगा, वो हूबहू तुम्हारे पेपर के जैसा होगा, बहुत मैक्सिमम उसमें से आने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फायदा ले सके, ठीक है। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।